हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट जीके पे। तो आज का टॉपिक है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कल का था फंडामेंटल राइट्स और आज है डीपीएसपी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? हुज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी? राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कहें, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हुज डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। तो राइट आंसर होगा आपका सी, 3651 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंसर्ट इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द राइट आंसर होगा डीपीएसपी में कहा गया। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन। यहाँ पे क्या है, लोक हितकारी राज की अवधारणा भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? चार का आंसर होगा आपका सी। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धांत एक जांच है जिसे बैंक की सुविधा पर भुगतान किया जाता है, यह किसने बताया? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक कन्वीनियंस, हु टोल्ड इट? तो पांच का आंसर होगा ए। आपको जो आंसर बताना है, एक क्वेश्चन है आपसे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, किस राज्य में, कमेंट करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति का निर्देशक सॉरी क्वेश्चन है राजनीति का निर्देशक सिद्धांत है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राइट आंसर होगा नन जस्टिसेबल। ये जस्टिसेबल नहीं है, ये नन जस्टिसेबल है, गैर न्यायिक है। ठीक है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना है। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो आंसर होगा आपका 7 होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित है? Which one of the following article of the directive principles of state policy deals with the promotion of international peace and security? तो राइट आंसर होगा डी। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका डी होगा डी। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप ए की बात करें 41, तो 41 जो आर्टिकल होता है वो कहता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। 43 का ए कहता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि एक राज्य को सेंटर ऑर्डर करता है कि अपने राज्य में अच्छे कारखाना लगाए जिसके वजह से वहां के मजदूर को बाहर नहीं जाना पड़े, उसके राज्य में वो काम मिल जाए। 48 का ए कहता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, है ना? तो ये था। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब संविधान बना था तो 10 था और प्रेजेंट में 11 है। आपको कमेंट में लिखना है कि 11 नंबर का ड्यूटी कौन सा था। हम हिंट दे देते हैं, आप अमेंडमेंट मेंशन कर दीजिएगा। ये जो है, जो ये भारत में जितने भी बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन,
ये एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 का ए में मेंशन किया गया है कि हर एक 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करेंगे, हम शिक्षित करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे। तो ये जो है अमेंडमेंट बताना है, ये 2002 में हुआ था, आपको कमेंट में अमेंडमेंट बताना है किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है 11th नंबर ड्यूटी ऐड हुआ था जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में, ठीक है। तो पहले था 10 और प्रेजेंट में कितना है 11। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर होगा ए आपका जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे जो है ऐड किया गया था, ठीक है, ड्यूटीज को, है ना। और उस कमिटी का नाम था जिस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था, उस कमिटी का नाम आपको कमेंट में मेंशन करना है किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड द एडेड टू द एग्जिस्टेंट फंडामेंटल राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 1976। क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया अध्याय शामिल किया है। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ न्यू चैप्टर ऑन। तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को डैश के संविधान से लिया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। द राइट आंसर होगा आयरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निर्देशक सिद्धांत के तत्व के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? देखिए यहाँ पे डीपीएसपी में कौन कौन आता पूछा गया है, तो ये भी आता है, यहाँ पे एनिमल्स की चर्चा किया गया है, ये भी आता है ऑल सिटीजन हैव द राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये भी आता है आपका, फ्री एजुकेशन की बात भी आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच? तो यहाँ पे मिसमैच की बात करें तो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये 48 कहता है, आर्टिकल 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है, ठीक है, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। ये एनिमल जो हस्बेंड्री है ये क्या कहता है आपका? 48 कहता है, ठीक है। और 39 का ए जो कहता है वो भी सही है, गुड जस्टिस।